उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार प्रवासी महिलाओं को गांव में ही 6000 रुपए कमाने के अवसर देने की तैयारी में है। महानगरों और दूसरे राज्यों से गांवों में लौटे 5.5 लाख परिवारों की महिलाओं को राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत रोजगार से जोड़ा जाएगा। काबिलियत और रुचि के मुताबिक उन्हें काम दिया जाएगा। मिशन ने इसकी कार्य योजना भी शुरू कर दी है। मिशन की ओर से शुरू हुई मैपिंग के दौरान महिलाओं से पूछा जा रहा है कि वो काम क्या कर सकती हैं, क्या कुछ ऐसा भी करना चाहती हैं जिसमें उन्हें किसी प्रकार के प्रशिक्षण की जरूरत है। महिलाओं के रुचि के आधार पर उन्हें स्वरोजगार के लिए चुना जाएगा। जिन्हें प्रशिक्षण की जरूरत है उन्हें कौशल विकास मिशन से 10 दिन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण पूरा होते ही उन्हें गाँव के स्वयं सहायता समूह से जोड़ा जाएगा। महिलाओं को स्वयं सहायता समूह के फंड से तत्काल काम शुरू करने के लिए धनराशि मुहैया कराई जाएगी। स्वयं सहायता समूहों के पास इस समय मास्क सैनिटाइजर के साथ ही पीपीई किट बनाने का बड़ा काम है। इसके अलावा अब स्कूल ड्रेस तैयार करने का काम शुरू होने जा रहा है। करीब 1 करोड़ स्कूल ड्रेस तैयार किया जाना है। इस काम में बड़ी तादाद में महिलाएं सिलाई से जोड़ी जाएंगी। इसके अलावा फेस मास्क, अचार, मुरब्बा निर्माण, मसाला पिसाई, पैकिंग, धूप अगरबत्ती, सोलर लैंप निर्माण, पशुपालन, सब्जी की खेती व कारोबार, घरेलू सामान बेचने का काम, बिल्डिंग मटेरियल बिक्री आदि कामों में भी उन्हें जोड़ा जाएगा। इनमें महिलाएं गांव में ही रहकर न्यूनतम 5 से 6 हजार रुपए तक महीना कमा सकेंगी। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के निदेशक IAS सुजीत कुमार बताते हैं कि स्वयं सहायता समूह से जोड़ी जाने वाली महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए 400 करोड़ रुपए उपलब्ध हैं। इनमें से 200 करोड़ रुपए समूहों को देने का काम शुरू कर दिया है। योजना के तहत कम से कम 4 से 5 लाख ग्रामीण महिलाओं को समूह रोजगार से जोड़ा जाएगा।